हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा सेम वन ख़त्म हो गया। सबको इस न्यू स्टाइल से, कोरोना के कारण जो न्यू स्टाइल से हमने पढ़ना शुरू किया है, तो सबको मज़ा आ गया। तो अब हम सब, आप लोग भी और हम लोग भी, सब लोग इस पद्धति के साथ अनुकूल हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेम टू। सेम वन में मैं आपके लिए न्यू टीचर थी, तो आपको मुझे जानना था, मुझे आपको जानना था। अब हम सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब हम सेम टू में आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर वन, इतनी शक्ति हमें देना दाता। उसका प्रकार है प्रार्थना गीत, कविता है और उसका प्रकार है प्रार्थना गीत। प्रार्थना, प्रार्थना का महत्व आप जानते हो? आप अपने काल अवस्था में, यानी आप बाल्य अवस्था में, विद्यार्थी काल में सबसे ज़्यादा प्रार्थना कब करते हो? मैं बताऊँ? परीक्षा में और एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा तब। इससे पहले तो परीक्षा में, है ना, एग्ज़ाम देने के जाएंगे उसके पहले मम्मी प्रार्थना करने को कहेगी, टीका वीका लगा कर आओगे एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। तो क्यों प्रार्थना क्यों करते हो? क्या आप प्रार्थना करोगे तो आपकी जगह भगवान आके पेपर लिखने बैठ जाएंगे? नहीं। प्रार्थना करने से हमें जो कर्म करना है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। हमें पेपर लिखना है, उसकी तैयारी करनी है, तो वो तो हमें करनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रार्थना करने से हमारे मन में हकारात्मक जो भावना है वो जागृत होगी कि नहीं, मुझे सब कुछ आता है, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, है ना। और जो हमारे मन में नकारात्मक विचार है वो दूर हो जाते हैं। इससे हमारा जो कार्य है वो सरल हो जाता है, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हो, बराबर? ओके। इस प्रकार प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। अभी हमें किस बारे में प्रार्थना करनी है आप सब जानते हो, क्योंकि आप लोग भी घर पे हो, है ना। अभी स्कूल आना है फिर भी नहीं आ सकते, हमें आपको स्कूल में आके पढ़ाना है फिर भी हम नहीं पढ़ा सकते। तो इस बार हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे परमात्मा, जो ये कोरोना का जो वायरस चारों ओर फैला हुआ है उसे ख़त्म करो। ख़त्म करो यानी वो आके ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन हमें इतनी शक्ति दो कि हम उसके साथ लड़ सके। तो आज हम चलो प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना गीत से कि हे भगवान, हमारे मन में शक्ति दो। ओके, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ओके, तो चलो अब हम सबसे पहले इस प्रार्थना गीत को गाते हैं। आप सब लोग उसे सुनना और साथ में गा के दोहराना, इससे आपको ये कविता भी मुखपाठ हो जाएगी। ओके, उसके बाद पार्ट टू के वीडियो में मैं आपको इस कविता को समझाऊंगी, उसकी समझूती दूंगी। ओके, चलो सबसे पहले इस कविता को सुनते हैं। Shitty!
हो।